नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ जरूरी बात डिस्कस करना चाहूँगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे एक बात आप बताएं कि आप एग्ज़ाम देने जब भी आप जाते हो तो उसके कुछ बेसिक रूल होते हैं, क्या आपको पता है? जैसे कि एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, आईडी की फोटोकॉपी, दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपने फॉर्म में ऑनलाइन फिल करते समय अपलोड करी होंगी, वही फ़ोटो आपको चाहिए होती है, ठीक है? और आपका जो भी आईडी प्रूफ होता है उसकी फोटोकॉपी, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, लाइसेंस, कुछ भी हो चलेगा, कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? एग्ज़ाम देते वक्त आप फॉर्म को स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है, फ्लाइट मोड पे करते हैं, साइलेंट मोड पे रखते हैं। ये बहुत ही बेसिक रूल है जो मैक्सिमम लोगों को पता होता है, ठीक है? अब एक बात मुझे और बताइए, छोटी सी बातों को मैं जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूँ उससे पहले मुझे ये छोटे मोटे एग्जाम्पल आपके सामने रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा मजबूर हूँ। देखिए, पॉइंट नंबर टू, एग्ज़ाम की बात करें, आपको बेसिक रूल पता है एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी अनिवार्य है, तो वो रूल आपको चल गया पता, ठीक है? अब सेकंड रूल क्या होता है, आप जब फॉर्म भरते हो उस समय आप बेसिक चीज़ें क्या देखते हो उसमें? जब भी आप फॉर्म भरते हो प्यारे बच्चों, तो उसमें सबसे पहले आप देखते हो कि एग्ज़ाम जो हम भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं ये वाला फॉर्म, इसके सब्जेक्ट कितने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश या हिंदी ग्रामर, ठीक है? उसके बाद आप चेक करते हो नेगेटिव मार्किंग कितनी है, कितने नंबर का टेस्ट होगा, कितने घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, कितने लेवल होंगे, टायर वन, टायर टू, ठीक है? ये सब बेसिक चीज़ें आप अच्छे से देख लेते हो फॉर्म भरने से पहले। अब मोस्ट मोस्ट मोस्ट, अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पर। एग्जाम में जाने से पहले आपको पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू, वो सब रूल आप सबको, मैं ऐसा मानता हूँ कि 100% बच्चों को पता होगा, ठीक है? ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ फिलहाल, ऐसा होता नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में जाओ, आधे घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाओ, आप चेक करोगे, कई लोगों को ये नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में सब्जेक्ट क्या है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, या एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा, या कौन से सब्जेक्ट एग्ज़ाम में आने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर आपको पता है तो आप सही डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? अब मुझे ज़रा एक चीज़ बताइए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा जीके और जीएस के कौन से बेसिक क्वेश्चंस अच्छे से याद करके एग्जाम में आपको बैठना चाहिए, ठीक है बच्चों? आप देख रहे हो सामने वन लाइनर जनरल नॉलेज, मतलब जीके के क्वेश्चंस विद आंसर आज मैं आपको करवाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये सभी क्वेश्चंस काफी बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होने ही चाहिए। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप काफ़ी सीरियस स्टूडेंट हैं, तो ये क्वेश्चंस आप आज नोट करेंगे ध्यान से। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, ये बात मुझे बतानी थी आपको छोटे मोटे एग्जांपल के द्वारा, मुझे इस मुद्दे पे आना था कि वास्तव में मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो बच्चों, नोट्स बनाइए अगर आप सीरियस तैयारी करना चाहते हैं तो। अब मैं बिना किसी डिले के ये आज का वीडियो शुरू करता हूँ, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, और ये सभी क्वेश्चन जो आपके सामने मैं अभी प्रेजेंट करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, अगर वो आपको आते हैं तो रियल में आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ये काफ़ी शॉर्ट नोट्स हैं, इससे छोटे नोट्स आप नहीं बना सकते। जिस तरह से वन टू वन लाइन में एक एक सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है,
वैसे ही आपको या तो डायरेक्ट याद करने हैं या फिर उसके नोट्स बनाने हैं। अगर आपको पहले से सब पता है तो आप ना तो पेन उठाएं ना पेपर उठाएं, ठीक है। देखिए बच्चों, उच्च न्यायालय पूछ रहा है हमसे कितने हैं, तो भारत में जो उच्च न्यायालय हैं वो है टोटल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि संवैधानिक संस्था कौन सी है, आपको चार ऑप्शन देगा और आपको याद रखना है उसमें जिस ऑप्शन में चुनाव आयोग लिखा होगा वही आपका राइट आंसर होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे बात करते हैं संघ लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितना होता है। 6 ईयर कार्यकाल की बात कर रहा है उनका, ये कितने साल का होता है, ये होता है 6 ईयर के लिए। वित्तीय आयोग का गठन कब हुआ, 1951। झंडे में अशोक चक्र का जो रंग होता है वो किस रंग का होता है सॉरी बच्चों, ये जो रंग होता है वो होता है गहरा नीला। अच्छा, इसमें जो लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं स्कोप या तिल्ली, वो कितनी तिल्ली होती है उसमें, उसमें होते हैं टोटल 24। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, सब क्वेश्चंस हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। पहली बात तो ये आप याद रखिए प्यारे बच्चों, और दूसरी बात ये कि आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि आपने क्या करा है, एग्जाम बहुत कम समय है, अगर आपने लूसेंट ढंग से पढ़ी है, जो जनरल नॉलेज की सामान्य ज्ञान की जो बुक आती है जीके की ब्लू रंग की छोटी वाली, अगर वो आपने ध्यान से पढ़ी है तो आई एम डैम श्योर कि आप मेरे बोलने से पहले इसके जो आप डिस्प्ले पे क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको आते होंगे। लेकिन टाइम अब बहुत कम है, तो वन लाइनर जीके इस चैनल पे वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं, उसको आप देखिए, रुक्मणी पब्लिकेशंस के नाम से एक वीडियो है, आप उसको वॉच करिए और आप इसको देखिए। इस तरह की वीडियो में लाते रहूंगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, मैं डेली एक वीडियो चैनल पे अपलोड करूंगा। अगर आप चाहेंगे तो अगला क्वेश्चन सर बच्चों, वंदे मातरम को, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 आपको ऑप्शन में 1947 हर ऑप्शन में देगा, लेकिन यहाँ पर मंथ और डेट चेंज कर सकता है, तो आपको ये डेट मंथ ईयर मतलब साल तीनों चीज अच्छे से याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रथम महीना चैत वे अंतिम महीना कौन सा होता है, ये होता है फाल्गुन। वो पूछ रहा है शक संवत का, ठीक है, आप याद रखना इसका फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, चैत, एंड जो एंडिंग जो इसका मंथ होता है वो कौन सा होता है, फाल्गुन। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 ईस्वी को लागू किया गया। अब देखिए 22 मार्च 1957 और यहाँ था 22 जुलाई 1957, ऊपर वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान से नोट्स बनाना और याद करना। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय जनरल कौन थे, के एम करियप्पा। अगर बात करें नौसेना की तो नौसेना के जो फर्स्ट थे कमांडर वाइस एडमिरल कौन थे, आर डी कटारी।
नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायुसेना के जनरल, यहाँ बात कर रहा है वायुसेना की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आशुतोष मुखर्जी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारत रत्न से विभूषित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया जो लीबिया में है, और लीबिया कहाँ पर है, अफ्रीका में। तो इस स्थान का नाम आप याद रखना बड़े ध्यान से। भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय गोंड है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है गोंड। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में स्थित है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहां पर है, मोस्ट एमपी क्वेश्चंस, लंदन में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। अर्ध गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। धान की डालियां छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि किस स्टेट को, किस राज्य को धान की डालियां कहा जाता है, तो आपको याद रखना है राइट आंसर बच्चों, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका सभा महासभा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 तथा कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। WMO मतलब विश्व मौसम विज्ञान संघ की स्थापना कब हुई, 19 मार्च 1951 को। बच्चों एग्जाम में जो संगठन है वो सभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे वर्ल्ड बैंक या WTO, ये WMO आप सामने देख रहे हैं, या IMF की स्थापना कब हुई, UNO की स्थापना कब हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो अब इसका लेवल बहुत बढ़ रहा है। हर एग्जाम में ये चीज़, ये क्वेश्चन कंपल्सरी बनता जा रहा है। जैसे कि आप देखते हो कि आपके जो एग्जाम का जो पैटर्न है SSC का, वो एक डेट पूछता है आपसे कि इस दिन पे कौन सा दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस कब मनाया जाता है, या फिर योग दिवस कब मनाया जाता है, या फिर विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस, पृथ्वी दिवस। तो इस टाइप के डे भी अगर आप एग्जाम में जाने से पहले याद कर लेते हैं तो डैम श्योर कि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस एक नेक पक्का फंसने वाले हैं, ठीक है। तो आप तैयारी जाएंगे करके थोड़ा ढंग से सीरियस तरीके से तैयारी करके जाएंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि एग्जाम में गए और आए, खाली हाथ गए और खाली हाथ आए, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम जब जाओगे तो प्लीज 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 सीरियस तरीके से पढ़ते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, हिजरी संवत का संबंध हजरत मोहम्मद साहब से है। कालीबंगा के मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सामदेव को कीतु के रूप में गाया जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। महापद्मानंद नंदवंश के संस्थापक थे। नंदवंश के संस्थापक कौन थे, इसका सही जवाब है बच्चों महापद्मानंद। अशोक का नाम अशोक मास्की अभिलेख से मिलता है। और अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा जिसके बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया, कलिंग का युद्ध। कलिंग कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। तब उस वक्त कौन से राजा के साथ में युद्ध हुआ था अशोक का, खारवेल। और इनका हृदय परिवर्तन हुआ तो कौन से जो साधु थे जो उनसे मिलने आए थे, जिन्होंने प्रवचन दिया था अशोक को। तो इस तरह के भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप बुक में देखेंगे रिसेंट में आपको मिल जाएगा आराम से। अगर टाइम है तो उसको उठा के पहले जरूर देखिए, टारगेट सेट करिए, बुक को फिनिश जरूर करिए आप। अदरवाइज इस चैनल में कुछ वीडियो अपलोड है रिसेंट की, वो सब भी आप सुन सकते हैं, वो ऑडियो है, ठीक है। अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम
कि फेंथलर ने 1750 ईस्वी में लगाया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। अश्वघोष कनिष्क का दरबारी राजकवि था। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। हर्षवर्धन ने 41 वर्ष तक शासन किया तथा उसका शासन 647 ईस्वी में समाप्त हुआ। इबन बतूता मोरक्को का निवासी था। इबन बतूता कहाँ का निवासी था? ये था मोरक्को का, ठीक है। उसके बाद जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत का भ्रमण किया था, मतलब भारत की यात्रा करी थी, भारत को देखा था, इसको पहचाना था कि यहाँ की जो राजनीति जो पद्धति है वो किस प्रकार की है। अगला क्वेश्चन, नटराज की मूर्तियाँ चोल काल की थी। नटराज की मूर्ति जो आप देखते हो वो कौन से वंश की थी? वो थी चोल काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन सेकंड का दरबारी कवि रवि कीर्ति था। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ का ज्ञान 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ ने जो भी ज्ञान प्राप्त करा था, जो भी शिक्षा प्राप्त करी थी, वो किस वर्ष की अवस्था में करी थी? मात्र 35 ईयर की अवस्था में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भारत पर आक्रमण करने वाला फर्स्ट मुस्लिम पूछ रहा है वो, ठीक है। नोट्स में लिखिए, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। बच्चों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रजिया सुल्तान की शादी भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ हुई थी। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। बलबन का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो तथा अमीर हसन भी बोलते थे इसको। अलाउद्दीन खिलजी अपने को द्वितीय सिकंदर कहता था। अपने आप को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दरबार में 45 कवि थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 45 कवि थे किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थापित किया था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 ईसा में किया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खान लोदी और आलम खान ने आमंत्रित किया था। निकोलो कांटी मतलब इटली नामक यात्री देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। चार मीनार तथा गोलकुंडा के किले का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। पानीपत के प्रथम वॉर में बाबर ने ग्वालियर नरेश विक्रमाजीत से कोहिनूर हीरा छीना था। देखिए, कोहिनूर हीरा के बारे में अभी कुछ टाइम पहले करंट अफेयर्स कुछ न्यूज आई थी, तो वो न्यूज़ तो खैर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो न्यूज़ आपको पता होगी, लेकिन अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बस आप किसको आप नोट कर लीजिए, ये शहर आपको ना बताओ, क्योंकि ये आपको लुसेंट बुक में नहीं मिलेगा या किसी अदर बुक में नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन का सिलेक्शन काफ़ी सोच समझ के करा गया है केवल आपके लिए। आप चाहे ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रेड सी या ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपको कम से कम एग्जाम में जाने से पहले अपने माइंड में जो आपका नॉलेज बैंक है उसमें ये सब भी आपको ऐड करना चाहिए। ये बात मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, अब बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है। फिर कुछ बच्चे बोल जाते हैं, समझ सकता हूँ भावनाओं को बच्चों में आपकी। देखिए, भारत में सबसे पहले बाबर ने बारूद का प्रयोग करा था। बारूद का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था? बाबर ने। बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी ने करवाया था। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था। न्याय की जंजीर के नाम से मुगल शासक जहांगीर प्रचलित था। जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरम बिंदु पर थी। मुगल वंश का शासक औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था।
किसका राज्य अभिषेक दो बार हुआ था? औरंगजेब का। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। देखिए किसको रंगीला बादशाह कहा जाता है, इसका नाम है मोहम्मद शाह। इसको आप इस तरह से याद कर लीजिए कि मोहम्मद शाह को होली बहुत पसंद थी। मोहम्मद शाह जो था इसको क्या पसंद थी, होली। होली कैसी होती है, रंग बिरंगी। जो इंसान काफी रंगीला होता है वही होली खेलता है, ठीक है। इस तरह से कभी कभी कुछ वर्डों को, कुछ नाम को जो काफी टिपिकल होते हैं, उसको रियल लाइफ के किसी एग्जाम्पल से कनेक्ट कर दिया करेंगे, ठीक है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। श्रीरंगपट्टम की संधि जिसे बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कार्नवालिस के बीच में हुई थी, ठीक है। और ये कब हुई थी? 1792 में। एग्जाम में आपसे ये पूछता कि रंगपट्टनम की संधि किस किस के बीच में हुई, दोनों के नाम बताइए। आपको ए ऑप्शन देगा टीपू सुल्तान और लॉर्ड कोई दूसरा नाम दे देगा आपको, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी या इस टाइप का नाम देगा। बट आपको दोनों के नाम याद रखने हैं, नोट्स में लिखिए श्री रंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान प्लस किसके बीच में होती, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। ब्रैकेट में लिखिए इसका ईयर 1792। जयपुर शहर को आमेर का शासक जय सिंह ने बसाया था। जयपुर जो शहर है वो किसने बसाया था? जय सिंह ने बसाया था। दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आया था। भारत में स्वीडिश के व्यापारी सबसे बाद में आए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी। बहुत अच्छा क्वेश्चन सर बच्चों, एग्जाम में पूछता है द्वैध शासन की नींव किसने रखी या किसके कार्यकाल में द्वैध शासन अपनाया गया था, तो इसका सही जवाब होना चाहिए आपके पास में लॉर्ड क्लाइव। ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। स्वतंत्रता भारत के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन 1969 ईस्वी को हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में इंग्लैंड में हुई थी। वॉशिंगटन की चाय पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में घटी। नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। चीनी क्रांति डॉक्टर सन यात्सेन के नेतृत्व में हुई थी। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितने लाख गुना बड़ा है? तो इसका सही जवाब है 13 लाख, 13 लाख। शुक्र और अरुण ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? अजिजिया या। प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी करा जाता है। व्यापार का संतुलन पद का अर्थ क्या है? आयात और निर्यात में अंतर से। 14 बैंकों का राष्ट्रीय करार 1969 में अवकाश योजना के काल में हुआ था। किस टाइम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ये ईयर आपको याद रखना है 1969। उस टाइम पे जो हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत में योजना बनाने की नीति जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाई गई थी। योजना बनाने की नीति, जो योजना आयोग था इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। अब योजना आयोग का नाम परिवर्तित हो गया है, नया नाम इसका क्या है? इसका नया नाम आप सबको पता होगा, जिसको नहीं पता वो नोट करिए, इसका नया नाम है नीति आयोग। नीति आयोग, नीति की भी पूरी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बुल्स एवं बियर्स। वाक्यांश का संबंध किससे है? स्टॉक एक्सचेंज से है।
बुल्स एंड बियर्स जो ये वाक्य है, इसका जो संबंध है वो किससे है? स्टॉक एक्सचेंज से। एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सांसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सेंटीग्रेड का अधिकतम तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। और विटामिन से होने वाले कुछ स्टैंडर्ड कुछ रोग हैं, जैसे विटामिन बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी। और विटामिन के से क्या होता है? विटामिन के से होता है खून का थक्का जम जाता है। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में की थी। देश में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? मिल्क से। और आपसे अनेक प्रकार की क्रांति वो पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति, ये किससे संबंधित है? पेट्रोल से। पेट्रोल काला नहीं होता, लेकिन यहाँ से वो स्टार्टिंग ओरिजिन जब वो जन्म लेता है पेट्रोल, पेट्रोल एक्चुअली प्यूरीफाई होता है, उसके बाद में उसका कलर चेंज हो जाता है जो आप देखते हो, लेकिन स्टार्टिंग में उसका जो बेस होता है वो होता है ब्लैक कलर का। इसलिए ब्लैक क्रांति हमेशा किससे संबंधित है? वो जुड़ी है पेट्रोल से। आगे बढ़ते हैं। भारत, जी हाँ बच्चों, भारत मानव निर्मित धान ट्रिटेकम है। क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल स्पेस शटल में होता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। मैक्सिमम मिट्टी जो है भारत में जलोढ़ मिट्टी होती है। एक होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी में मैक्सिमम क्या होता है? कपास। ठीक है, ये आप लिखिए, मैक्सिमम कपास होता है काली मिट्टी में। और मैक्सिमम काली मिट्टी जो पाई जाती है वो पाई जाती है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम कहलाता है। कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य सभी नोटों को भारत का रिजर्व बैंक जारी करता है। लक्षद्वीप नामकरण 1973 में किया गया। सिक्किम की प्रमुख जातियां कौन सी हैं? लेपचा एवं भोटिया। लेपचा एवं भोटिया कहाँ की जनजाति हैं? यह है सिक्किम की। आपको मैं एक एक लाइन को दोनों तरह से पढ़ के समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज आप भी प्रयास करना मेरे साथ में। अगला क्वेश्चन, राज्य में शीतकालीन वर्षा का कारण या रीजन भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात है। पारसनाथ की पहाड़ी पठार का एक हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। योग सूत्र पतंजलि की रचना है। योग सूत्र किसकी रचना है? पतंजलि की। पलिट्जर पुरस्कार कोलकाता के प्रकाशक स्वर्गीय जोसेफ पुलिट्जर की स्मृति में दिया जाता है। उल्टा फहराया हुआ झंडा असीम संकट को प्रतीक करता है। अगर जो फ्लैग होता है, झंडा होता है, अगर उसको उल्टा कर दिया जाए तो उस स्टेट में, उस कंट्री में बहुत बड़ा संकट है। झंडे को उल्टा करना मतलब बहुत ही नेगेटिव है उस कंट्री में भी, चाहे वो फाइनेंशियल रूप से बहुत वीक हो, चाहे वो राजनीति के पर्पज से बहुत संकट में हो। संकट किसी भी तरीके का हो सकता है। नेक्स्ट, ओलंपिक गीत की रचना ग्रीस के स्पाइटोस स्मारस ने की थी। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया प्राणी कौन था? कुत्ता। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त सिराओं में बहता है। यूरिया खाद से पौधों को नाइट्रोजन तत्व मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट है। कृत्रिम किडनी के आविष्कारक विलियम कॉल्फ हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। विवेकानंद रॉक तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विवेकानंद रॉक कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में।
मुगल शासक अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर जो स्टार्ट था वो किसने समाप्त करा था? अकबर ने, कि ऐसा कोई कर अब नहीं लगाया जाएगा। प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ सत्यपथ ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन, गिर वन गुजरात शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गिर वन कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन तो ये है गुजरात में, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है शेर के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में पहली बार 1952 में आधिकारिक रूप से चलाया गया। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खान से प्राप्त होता है या हुआ था? ये कोहिनूर हीरा एक ही था, ठीक है, और ये हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था हमको गोलकुंडा के खान से। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मिथेन गैस का प्रयोग होता है। 19वीं सदी में भारत के प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष सर जॉर्ज कैम्बेल थे। बहलोद लोधी के मकबरा को सिकंदर लोधी ने 1418 में बनवाया था। बलबन का पूरा नाम क्या था? गियासुद्दीन तुर्क बलबन, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। पहला शासक किसका पूछा है? दिल्ली का। वो कौन था? इल्तुतमिश था, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। मोहम्मद गौरी का शव गजनी में दफनाया गया था। कभी कभी डेड जो डेड बॉडी है वो कहाँ दफनाई जाती है, इसके बारे में बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सिलेक्टेड कुछ ही चीज़ों का आपको याद रखना है, सबका नहीं रखना, जो आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ इतना आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता तो वो नोट्स बना रहा होगा ऐसा मैं समझता हूँ, और कुछ लोग नहीं बना रहे होंगे ये भी समझता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण करा, किसने सबसे अधिक बार भारत पर अटैक करा या आक्रमण करा? इसका सही जवाब है महमूद गजनवी। आप ये नंबर भी याद रखना, 17 times। वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा प्रभाकर वर्धन था। खारवेल शासनकाल की जानकारी हाथी गुफा शिलालेख से मिलती है। जब लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ाई जाती है तब इसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल समान रहता है। ये क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन हैं, तो इसमें एक्चुअली हर सब्जेक्ट में से क्वेश्चन रखे गए हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है, 20.12 मीटर होती है क्रिकेट पिच की लंबाई। अगला क्वेश्चन, गोलक की गतिज ऊर्जा मध्य बिंदु पर महत्तम होती है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम में है। दंची ग्राम अभ्यारण्य भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। विषुवत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होता है। उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन उन प्रदेशों में मिलते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। अंडमान और निकोबार द्वीप कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में पड़ता है। भारत के लिए, इंडिया के लिए संविधान की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में प्रस्तुत किया गया था। हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव गांधार कला में परिलक्षित होता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, औरंगजेब ने। भारत में पोलो खेल तुर्कों द्वारा प्रचलित किया गया है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों के अध्ययन से संबंधित है। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष
बदरुद्दीन तैयबी थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे कौन थे? कांग्रेस की बात कर रहा है, और उनका नाम क्या था? बदरुद्दीन तैयब जी। सहारा और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। कोरबा रासायनिक खाद उद्योग छत्तीसगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी की अम्लता घटाने और क्षारीयता को बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में अवस्थित है। पृष्ठ तल की वक्रता स्फेरोमीटर से मापी जाती है। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध कराया जाता है। क्लोरोमाइस्टीन एक एंटीबायोटिक है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, सहारा और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। कोरबा रासायनिक खाद कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये दोनों क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए थे, और हमने बात करी थी स्फेरोमीटर की भी और ऊर्ध्वपातन की भी। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी आपको इस पेज में बोल रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करिएगा। अगर आपको नहीं पता तो, अगर मालूम है आपको इस क्वेश्चंस की नॉलेज है तो आप नोट मत करिएगा। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है आपका सोना गोल्ड, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु सोना है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। अगला क्वेश्चन, जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन रेडियो बायोलॉजी है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम तथा फास्फोरस हैं। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु मैग्नीशियम है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। एड्रेनल ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि होती है। लार जिसको बोलते हैं स्लाइवा या सैलिवा, एंजाइम के पाचन में सहायक होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस संधि पर हस्ताक्षर हुए। थर्ड कर्नाटक वॉर के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? ये हुए थे पेरिस संधि पर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैनल, अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और एक छोटी सी कंडीशन और है इस चैनल के साथ में, अगर आप एक्टिव सब्सक्राइबर हैं तो आप ये नहीं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो कोई भी अपलोड हो रही है, नोटिफिकेशन आपके पास में आ रहा है, आप उसका पॉपअप देख रहे हो बट उसको साइड स्क्रीन क्लोज कर दे रहे हो, जब मिलेगा टाइम तब देखूंगा। अगर आप ऐसे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब मत करना। अगर आप करियर में चाहते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक हो, डेली अपडेट आपको मिले, आप नोट्स बनाएंगे, तरीके से आप स्टडी करेंगे, अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट हैं जो सीरीज पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 मोस्ट वेलकम। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। एक बात और, अगर आपने सीरियसली इस वीडियो को देखा है, इस वीडियो को कम से कम 33 मिनट से ऊपर अब हो चुका है, तो आप कहीं ना कहीं सीरियस स्टूडेंट हैं, तभी आपने 30 मिनट का पेशेंस दिखाया, वीडियो को बड़े ध्यान से सुना होगा। अब आप डिसाइड करिए, चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए, पहले इसको वेरीफाई करिए चैनल को, उसके बाद में डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। लेता हूँ आपसे अलविदा। धन्यवाद।